हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट डेरिवेशन ऑफ गैस लॉ फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन, गैसियस स्टेट, जो अपनी चल रही थी बीएससी फर्स्ट ईयर की यूनिट नंबर थर्ड चल रही है और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर की यूनिट नंबर सेकंड चल रही है। वैसे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी यूनिट नंबर सेकंड है। ओके बच्चों, तो अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज सारे बच्चों को ये इन्फॉर्म कर दो कि क्लास होने वाली है, सारे बच्चों को वीडियो शेयर कर दो, लिंक शेयर कर दो, जैसे भी आपको वे ऑफ कम्युनिकेशन पता है कि वैसे वैसे बच्चों को इन्फॉर्म कर दो कि क्लास के अंदर आ जाओ, अपने ग्रुप में डाल दो कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है और लिंक शेयर कर दो। बच्चों आपको पता है कि मैं लिंक शेयर नहीं कर सकता ग्रुप के अंदर, आपको ही शेयर करना है लिंक। तो डेरिवेशन ऑफ गैसेस लो करने जा रहे हैं आज, ठीक है। देखो हमने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम, हमने काइनेटिक गैस इक्वेशन का डेरिवेशन पढ़ा था। अब काइनेटिक गैस इक्वेशन हमने निकाल ली है ना। अगर काइनेटिक गैस इक्वेशन की बात करें तो काइनेटिक गैस इक्वेशन है क्या चीज, PV that is equal to 1/3 mnc square, है ना। ये काइनेटिक गैस इक्वेशन हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ड्राइव की थी, निकाली थी। अब इस काइनेटिक गैस इक्वेशन की हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन, इस गतिज गैस समीकरण के द्वारा इसकी सहायता लेते हुए हम क्या करेंगे, जितने भी हमने गैसेस के नियम पढ़े हैं, हमने गैसेस के लो पढ़े, जितने भी हमने लो पढ़े हैं ना अब तक, जितने भी हमने नियमों को पढ़ा है, चाहे वो बॉयल लो है, चाहे वो एवोगैड्रो लो है, चाहे वो ग्राहम्स का डिफ्यूजन लो है, ग्राहम का विसरण का नियम है, बॉयल का नियम है ना, इन सारे नियमों का, इन सारे लॉज के डेरिवेशन पढ़ेंगे बाय द हेल्प ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन, मतलब गतिज गैस समीकरण की सहायता के द्वारा इन सारे नियमों का, इन सारे नियमों का हम क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, व्युत्पन्न निकालेंगे कि ये कैसे नियम बने, किसके किससे बने, काइनेटिक गैस इक्वेशन, मतलब काइनेटिक गैस इक्वेशन से ये सारे नियम हम बनाने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं बॉयल लॉ से, बॉयल का नियम से शुरुआत करते हैं कि बॉयल का लॉ कहता क्या है, पहले हल्का सा ये देखते हैं अपने, है ना। तो बॉयल लॉ क्या कहता है, बॉयल का नियम, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, नियत ताप पर फिक्स अमाउंट ऑफ गैस, गैस की निश्चित मात्रा पर वॉल्यूम इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, है ना। आयतन जो होता है वो क्या होता है, आयतन जो होता है वो प्रेशर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वित्त क्रमानुपाती होता है दाब के, ये होता है बॉयल लॉ, है ना। लेकिन इस बॉयल लॉ का डेरिवेशन हम बाय द हेल्प ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन कैसे निकालें, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू काइनेटिक गैस इक्वेशन पीवी दैट इज इक्वल टू 1/3 एमएनसी स्क्वायर, यहां पर एम क्या है बच्चों, मास ऑफ द पार्टिकल, मास ऑफ द मॉलिक्यूल, है ना। एक कण का क्या है, द्रव्यमान है, और एन क्या है, एन क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एम एम क्या है मास, अगर हम बात करें तो एम है मास द्रव्यमान, एन है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोल दो इसको, नंबर ऑफ पार्टिकल, और ये क्या है मास ऑफ पार्टिकल। और आपको पता है कि जब एक 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 कण का पार्टिकल का मास से या एक कण के द्रव्यमान से जब आप उसके टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रहता है, उसका मॉलिक्यूलर मास आ जाता है, आणविक द्रव्यमान आ जाता है, यानी m इंटू एन को हम कैपिटल m भी लिख सकते हैं, यानी m इंटू एन बराबर क्या होता है, आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है, मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है। ये बात मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पीवी बराबर 1/3 एम सी स्क्वायर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर ये हुई। आगे चलते हैं बच्चों, आपको ये बात पता है कि ना, आपको ये बात पता है कि इस इक्वेशन के ऊपर अगर आप देखो तो काइनेटिक गैस इक्वेशन, अगर आपको काइनेटिक गैस इक्वेशन के बारे में बताऊं, अगर मैं इस इक्वेशन को, अब क्या करना है, हमें इस इक्वेशन को मॉडिफाई करना है क्योंकि हमें इससे बॉयल लॉ निकालना है, हमें इससे बॉयल के नियम को डेरिवेशन निकालना है। तो इस इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को 2/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी इस इक्वेशन को ऊपर नीचे, इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को ऊपर नीचे 2/2 से मल्टीप्लाई करने पर, 2/2 से गुना करने पर, 2/2 से मल्टीप्लाई लिख दो, या 2/2 से मल्टीप्लाई। बच्चे कह रहे हैं सर आपने 2/2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। आपको ये बात पता है कि काइनेटिक जो एनर्जी होती है, वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक जो एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, यानी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम
इनटू वेलोसिटी की स्क्वायर, ये होता ना, यानी हाफ एम एम सी स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है बच्चों? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। तो आपको ये बात पता है कि काइनेटिक एनर्जी में नीचे क्या आ रहा है? टू आ रहा है, टू। अब मुझे काइनेटिक एनर्जी को इंट्रोड्यूस करवाना है इस इक्वेशन के अंदर। इस इक्वेशन के अंदर पीवी दैट इज इक्वल टू 1/3 एमएनसी स्क्वायर के अंदर कैसे करवा रहा हूं बराबर बताता हूं बच्चों। पहले आपने क्या देखा कि पीवी बराबर 1/3 एमएनसी स्क्वायर होता है। हमें पता है कि पीवी बराबर 1/3 एमएनसी स्क्वायर होता है। और इसमें क्या होता है कि इसको इस इक्वेशन को 2/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं इसका कारण मैं बताने जा रहा हूं बच्चों। हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू द पोस्टुलेशन ऑफ गैस थ्योरी, अगर गैस थ्योरी की बात करूं या गैस की जो अपने थ्योरी पढ़ी थी, काइनेटिक गैस थ्योरी पढ़ी जो, तो काइनेटिक गैस थ्योरी एक बात बोलती है अपने को। वो क्या बोलती है? काइनेटिक गैस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो किसी भी पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, वो उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इक्वल होती है, यानी उसके परम ताप के समानुपाती होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? उसके परम ताप के समानुपाती होती है। काइनेटिक एनर्जी होती क्या चीज है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी होती क्या चीज है? 1/2। काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करूं तो एम 1/2 एम सी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है ना, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है। अब आपने क्या करना है, जो आपने उस इक्वेशन को 2/2 से मल्टीप्लाई किया था, अगर मैं उस इक्वेशन को 2/2 से मल्टीप्लाई करूं तो हमारी वैल्यू क्या आती है? पीवी दैट इज इक्वल टू 2/3। आपको पता है कि वो इक्वेशन की वैल्यू क्या होती है? 1/3 एम एन सी स्क्वायर। मैंने इस इक्वेशन को 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2/3 इंटू 1/2 एम सी स्क्वायर। और आपको बताया कि मैंने अभी बताया है कि एम सी स्क्वायर की वैल्यू जो होती है, हाफ एम सी स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो काइनेटिक एनर्जी की इक्वल होती है, हाफ एम सी स्क्वायर। अब बच्चों मेरी बात समझे कि इस रिएक्शन को, इस इक्वेशन को मैंने क्यों वो 2/2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मुझे इसे मॉडिफाई करके ये वाली फॉर्म बनानी थी ताकि मैं इसको काइनेटिक एनर्जी में इसको कन्वर्ट कर सकूं। तो यही डेरिवेशन का तरीका होता है। तो मैंने क्या किया, पीवी इज इक्वल टू 2/3 इंटू काइनेटिक एनर्जी, ये हमारा निकल के आ गया ये वाली चीज। बच्चों यहां के बात समझ में जल्दी बोलो शाबाश। अब हमें पता है पीवी इज इक्वल टू 2/3 इंटू काइनेटिक एनर्जी, यानी पीवी बराबर 2/3 गुना में गतिज ऊर्जा। हमें पता है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक गैस पोस्टुलेशन थ्योरी, गैस पोस्टुलेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको ये बात पता है। क्या पता है? कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसने पोस्टुलेशन नहीं पढ़े, जिसने अभिधारणाएं नहीं पढ़ी जो मैंने लिखवाई थी, उसमें बात जाकर देखो ना कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के परम ताप के क्या होती है? समानुपाती होती है, इक्वल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आपको बताया कि जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला सिंबल हटाते हैं, जब हम समानुपाती वाला निशान हटाते हैं तो क्या आता है? कांस्टेंट आता है। तो के ई को हटाया तो मैंने क्या किया, कांस्टेंट आ गया, के लगा दिया, के एक कांस्टेंट है, इसको समानुपाती स्थिरांक बोलते हैं या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। ओके, तो ये के की वैल्यू आ गई बच्चों। तो इसका मतलब मैं अब के ई की जगह के टी लिख सकता हूं ना बच्चों। तो मैंने क्या किया, यहां पर ये के ई की वैल्यू पर, यहां पर मैं ये वैल्यू पुटअप कर दूंगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, पीवी इज इक्वल टू 2/3 के टी। आगी बच्चों वैल्यू, यहां तो बात समझ में आया। मुझे एक बात बताओ कि पीवी इज इक्वल टू 2/3 के टी में कौन कौन सी वैल्यू नियत है, कॉन्स्टेंट है? बच्चों 2/3 क्या है? एक प्रकार का मैथमेटिकल वैल्यू है जो हमेशा कांस्टेंट रहती है ना, मैथमेटिकल गणितीय रूप है जो कि कैसी है, नियत है, कांस्टेंट है। यहां पर के भी क्या है, कांस्टेंट है। और आपको बताया कि जब हम बॉयलर लॉ की स्टडी करते हैं वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर स्टडी करते हैं, वो भी हम क्या करते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर पर स्टडी करते हैं। इसका मतलब के इज इक्वल टू कांस्टेंट, टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, 2/3 भी क्या है, कांस्टेंट, द तीनों का मल्टीपल भी कांस्टेंट, ऑल ओवर क्या है, कांस्टेंट। तो पीवी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पीवी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट।
तो समझ में आई बच्चों बात, मतलब पी और वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट के बराबर आ जाता है। तो यहां पर हमारा बॉयल लॉ निकल के आ गया कि पीवी इज इक्वल टू, अगर कांस्टेंट हो, और आपको ये बात पता है कि अगर मैं पी लिख लूं और वी यहां ले आऊं तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट इनटू 1 बाई वी। तो बच्चों ये रिलेशन निकल के आ गया ना, अगर मैं कांस्टेंट को हटा दूं तो क्या आ जाएगा, पी इज अ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। तो हमने ड्राइव कर लिया कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर फिक्स अमाउंट ऑफ गैस पर किसी भी गैस का प्रेशर यानी किसी भी गैस का दाब, एनी वन गैस, वॉल्यूम के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब निश्चित गैस की निश्चित मात्रा पर नियत तापमान पर किसी गैस का दाब यानी प्रेशर आयतन के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां से हमने बॉयल लॉ निकाल लिया। जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर तुम्हें समझ में आया कि हमने कैसे काइनेटिक गैस इक्वेशन से हमने क्या निकाला बच्चों, हमने बॉयल लॉ निकाल लिया। सेकंड लॉ पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, सेकंड लॉ, हाउ टू डेराइव फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन। सेकंड लॉ का नाम है बच्चों चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ पढ़ने जा रहे हैं बच्चों कि चार्ल्स लॉ को हम कैसे ड्राइव करें, यानी चार्ल्स का नियम। बच्चों क्लास अब प्रॉपरली होगी, चिंता मत करना, सिलेबस सारा करवाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, टेंशन लेना किसी बात की। और नोट्स भी आपको हाथों हाथ मिल ही रहे हैं वीडियोस के अंदर, नोट्स बनाओ फटाफट, सारे बच्चे नोट्स बनाओ, मैं चेक करूंगा बच्चों। ओके, चार्ल्स लॉ की बात कर रहे हैं, चार्ल्स लॉ का रिलेशन क्या था, चार्ल्स लॉ का रिलेशन क्या था कि वॉल्यूम जो होता है ना, किसी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके परम ताप के, उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। एनी वन गैस है कोई भी, है ना, कोई भी गैस है वो उसका जो आयतन होता है, जो उसका वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। ये चार्ल्स लॉ ने बात बोली थी, है ना, चार्ल्स लॉ ने बात बोली थी कि वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। अब हमें अकॉर्डिंग टू काइनेटिक गैस इक्वेशन, अब यहां पर हम काइनेटिक गैस इक्वेशन में ज्यादा लॉ को डिटेल में नहीं बता रहा, मैंने लॉ को एक चीज को डिटेल में बताया, जिसको लॉ नहीं पता, चार्ल्स लॉ नहीं पता, वो अपने प्रीवियस लेक्चर लगाए, उसमें आपको चार्ल्स का नियम मिल जाएगा, उसमें आपको बॉयल का नियम मिल जाएगा, बॉयल लॉ मिल जाएगा, उसमें आपको एवोगैड्रो लॉ मिल जाएगा, उसमें आपको ग्राहम का डिफ्यूजन लॉ मिल जाएगा, है ना, ग्राहम का विसरण का नियम मिल जाएगा। तो सारी बातें कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या कहती है, काइनेटिक गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू 1/3 mnc स्क्वायर, ये हमें बोलती है, क्या बोलती है बच्चों, mnc स्क्वायर। अभी इस इक्वेशन को काइनेटिक की फॉर्म में, अगर मैं इस इक्वेशन को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि बिकॉज हमें टेम्परेचर चाहिए, और आपको बताया कि अब ना इस इक्वेशन को मैं काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें टेम्परेचर चाहिए, एब्सोल्यूट टेम्परेचर चाहिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे इसी इक्वेशन को, मल्टीप्लाई द अबव इक्वेशन 2/2। अब इसी इक्वेशन को लिखो नीचे, मल्टीप्लाई बाय 2/2 एट द अबव इक्वेशन, ऊपर वाली समीकरण को 2/2 से मल्टीप्लाई करने पर। तो 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पीवी इज इक्वल टू वही सेम चीज 2/3 इंटू 1/2 mnc स्क्वायर। हमें पता है कि 1/2 mnc² क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी या गतिक ऊर्जा की इक्वल होता है। तो क्या आ रहेगा, पीवी इज इक्वल टू 2/3 इंटू काइनेटिक एनर्जी, गतिक ऊर्जा के बराबर आ गया। अकॉर्डिंग टू, बच्चों वही सेम बात चलेगी, हमें ये बात बताई गई थी अकॉर्डिंग टू द पोस्टुलेशन, यानी पोस्टुलेशन बोलते हैं मतलब अभिधारणा, इसकी गैस सिद्धांत की अभिधारणा, पोस्टुलेशन ऑफ, पोस्टुलेशन ऑफ काइनेटिक गैस थ्योरी, काइनेटिक गैस थ्योरी, है ना, तो गैस थ्योरी मतलब अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेशन ऑफ काइनेटिक गैस थ्योरी क्या बोलती है बच्चों, क्या बोलती है कि काइनेटिक जो एनर्जी जो होती है ना वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, परम ताप के, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी वाला सिंबल हटाते हैं, समानुपाती स्थिरांक वाला सिंबल हटाते हैं, तो क्या आता है, के कॉन्स्टेंट आ जाता है, तो के ई वैल्यू के टी की इक्वल आ जाती है, और ये वैल्यू यहां पुट अप कर देंगे तो पीवी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पीवी इज इक्वल टू 2/3
इंटू के टी, वही सेम चीज कर रहे हैं ना। अब के टी आ गया, ओके। अगर मैं यहां पर पी को हटा दूं, पी को हटा करके यहां ले आऊं, वॉल्यूम इज इक्वल टू 2/3 के पी इंटू टी ऐसे ले आऊं, तो चार्ल्स ने हमें वेरिएबल्स के बारे में क्या बताया था कि अगर मैं ऐसे वैल्यू फिक्स कर लूं इसकी तो क्या निकल आएगा। तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो चार्ल्स का लो लागू होता है ना बच्चों, वो कांस्टेंट प्रेशर पे इंप्लीमेंट होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे इंप्लीमेंट होता है। अब चार्ल्स ने हमें बाकी वेरिएबल्स के बारे में क्या बताया था कि चार्ल्स ने एक बात बोली थी कि कांस्टेंट प्रेशर पे यानी नियत दाब पर, नियत उसकी सांद्रता पर, नियत सांद्रता मतलब होता है फिक्स अमाउंट ऑफ गैस पर जो भी वॉल्यूम होगा वो उसके परमताप के समानुपाती होगा। यहां पर टू भी क्या है, कांस्टेंट, 2/3 क्या है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, मैथमेटिकल फॉर्म एक फॉर्म है, तो वो भी क्या है, कांस्टेंट है। के भी क्या है, कांस्टेंट है। प्रेशर मैंने कांस्टेंट कर ही दिया क्योंकि जो चार्ल्स लॉ जो होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पर इंप्लीमेंट होता है। तो कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट अमाउंट ऑफ गैस या नियत गैस की सांद्रता पर, नियत दाब पर जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। तो यहां पर 2K/3P की वैल्यू किसके बराबर आ गई बच्चों, इस सारा का सारा कांस्टेंट है, नियत है, तो कांस्टेंट को अपने कांस्टेंट ही लिखेंगे। तो वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट इक्वल कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। जब हम कांस्टेंट वाला सिंबल हटाते हैं, जब हम आपको बताया कि जब हम वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के होता है चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग, जब हम ये वाला सिंबल हटाते हैं तो क्या आता है, कांस्टेंट कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। अब हम कांस्टेंट वाला सिंबल हटा रहे हैं तो ये क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के इक्वल आ जाएगा, मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट अमाउंट ऑफ गैस क्या होता है, वॉल्यूम उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक गैस इक्वेशन। हमने ड्राइव कर लिया बच्चों, काइनेटिक गैस समीकरण के द्वारा हमने निकाल लिया कि आयतन जो होता है वो परमताप के समानुपाती होता है। बच्चों बात समझ में आई, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, किसके होता है, टेम्परेचर के, एट कॉन्स्टेंट फिक्स अमाउंट ऑफ गैस एंड एंड बच्चों बताओ फटाफट क्या होगा, फिक्स अमाउंट ऑफ गैस एंड कांस्टेंट प्रेशर पे। चले बच्चों आगे, ये हमारा सेकंड लॉ कंप्लीट हुआ। अब हम थर्ड लॉ करने जा रहे हैं, एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रोज लॉ। अब एवोगैड्रो लॉ क्या बोलता है, एवोगैड्रो लॉ बोलता है कि टी बराबर मैं कांस्टेंट कर दूं, अगर टेम्परेचर भी कांस्टेंट कर दूं, मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का सेम कर दें, प्रेशर दोनों गैसेस का सेम कर दें, यदि उसका वॉल्यूम सेम है, अगर कोई ऐसा है इसका मैं प्रेशर कांस्टेंट कर रहा हूं टेम्परेचर कांस्टेंट कर रहा हूं, तो मैं दो गैसेस की स्टडी कर रहा हूं ए और बी की, अगर ए और बी का मैं वॉल्यूम सेम कर दूं तो ये पक्का है कि उसके नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये मैंने पहले बात बताई हुई है कि दो गैसेस का अगर मैं वॉल्यूम सेम कर दूं, देखो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर यानी नियत तापमान पर, नियत दाब पर क्या होगा, यदि दो गैसों के आयतन समान है ना, तो ये पक्का है कि उसके नंबर ऑफ मोल्स भी, उसके गैसों की मात्रा भी समान होगी। ये बात एवोगैड्रो ने बताई थी। अब इस बात को हमें क्या करना है, हमें इसको सिद्ध करना है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। पहले समझ लो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या होता है बच्चों, दो गैसें होती हैं ए और बी। हाँ, अब ए और बी का प्रेशर फिक्स है, प्रेशर फिक्स है, और क्या फिक्स है बच्चों, प्रेशर भी फिक्स है और इसका टेम्परेचर भी फिक्स है, तो दोनों कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट है। तो दो गैसेस के लिए अगर वॉल्यूम V1 है और इसका वॉल्यूम V2 है और इसका नंबर ऑफ मोल्स गैस की मात्रा है N1 है और गैस की मात्रा N2 है, अगर इसका वॉल्यूम इक्वल है तो ये पक्का है कि इसका नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे दोनों गैसेस के लिए। ये बात हमें बताई थी, किसने बताई थी बच्चों, ये बात बताई थी हमें एवोगैड्रो ने। तो यही रिलेशन काइनेटिक गैस इक्वेशन के यूज करते हुए निकालते हैं, काइनेटिक गैस इक्वेशन की बात करते हैं। यदि हम मैं एक गैस की बात कर रहा हूं तो ए गैस है और बी गैस है, अब काइनेटिक गैस इक्वेशन की हेल्प लेंगे बच्चों अपने, अब बी गैस है,
अब ए गैस का जो प्रेशर है वो क्या है बच्चों, पी वन है, और इसका वॉल्यूम क्या है बच्चों, वी वन है ना। इसका मास क्या है किसी पार्टिकल्स का, एम वन है, और इसके नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू क्या है, एन वन है, और इसका वेलोसिटी रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, सी वन है। उसी तरीके से दूसरी गैस के लिए उसका प्रेशर क्या है बच्चों, उसका प्रेशर क्या आएगा, प्रेशर पी वन, तो प्रेशर सेम रखा है हमने, प्रेशर वी वन, वॉल्यूम भी वी वन, और उसका मास एम टू है, और एन वन उसका क्या है, एन टू क्या है उसका नंबर ऑफ मोल्स, एंड सी टू क्या है उसका, ये हमने दोनों में सेम रखा है प्रेशर, हमने दोनों में सेम रखा है प्रेशर। अगर मैं दोनों गैसेस के लिए टेम्परेचर भी सेम रख दूं, अगर मैं दोनों गैसेस के लिए टेम्परेचर भी दोनों का सेम रहेगा, अब गैस के लिए काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या बनेगी, इन दोनों के लिए काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या बनेगी वो मैं लिखने जा रहा हूं। मैंने यहां पर प्रेशर सेम रख दिया, वॉल्यूम सेम रख दिया, और टेम्परेचर सेम रख दिया, मतलब टेम्परेचर दोनों का सेम है, टी टी, प्रेशर सेम है, वॉल्यूम सेम है, एम वन एम टू, एन एन वन एन टू, और सी वन सी टू, दो गैसों के लिए अलग अलग वैल्यू रखी मैंने, समझे मैं बच्चों, मेरी बात समझ गई। मैंने दो गैसें ली, ए गैस और बी गैस, मैं इनकी सारी पैरामीटर्स की स्टडी कर रहा हूं, इनके सारे वेरिएबल्स की स्टडी कर रहा हूं। मैंने क्या किया, पहले दोनों का टेम्परेचर सेम कर दिया, बिल्कुल सेम कर दिया, मैंने दोनों का प्रेशर भी सेम कर दिया, सेम कर दिया, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, मैंने इसका वॉल्यूम भी सेम कर दिया, ठीक है, वॉल्यूम सेम है दो गैसेस का, इफ वॉल्यूम सेम, एम वन उसका क्या है, मास ऑफ पार्टिकल ए गैस, मास ऑफ पार्टिकल बी गैस, एम टू एन वन क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ए, एन टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बी, यानी यानी मोलों की संख्या एन टू के लिए, मोलों की संख्या एन वन के लिए, एन वन मतलब मोलों की संख्या ए गैस के लिए, एन टू मतलब मोलों की संख्या बी गैस के लिए, और सी वन क्या है रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी किसके लिए, यानी उसका वेलोसिटी है किसकी, ए गैस के लिए, और सी टू क्या है बी गैस के लिए वेलोसिटी है। तो ये बात है, अगर हम इसमें काइनेटिक गैस इक्वेशन को इंप्लीमेंट करें, इक्वेशन नंबर इसके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए हम काइनेटिक गैस इक्वेशन को इंप्लीमेंट करें तो कैसे करेंगे, तो पीवी इजिकल टू वन बाई थ्री, हमें पता है कि इक्वेशन क्या होती है, एम एन सी स्क्वेयर होती है, तो यहां पर एम की वैल्यू क्या है, एम वन, एन की वैल्यू क्या है, एन वन, सी की वैल्यू क्या है, सी वन की स्क्वेयर, इसको दे दो बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर दूसरे के लिए मैं रखूं बी गैस के लिए, बी गैस के लिए तो वन बाई थ्री एम टू एन टू एंड सी टू की स्क्वेयर, बच्चों यहां तक बात समझ नहीं, जल्दी बोलो फटाफट, जल्दी बोलो, शाबाश, यहां तक बात समझ नहीं, आपको ये बात पता है कि अगर कोई दो इक्वेशंस हो जिसकी एक साइड बिल्कुल सेम हो, एक साइड बिल्कुल सेम हो, तो हम दोनों इक्वेशंस को इक्वल में रख सकते हैं, बराबर में रख सकते हैं। अब इन समीकरण एक और टू को इक्वल रखने पर, बराबर रखने पर, अगर इसकी दोनों साइड सेम है, आपको बताइए कोई भी दो क्वेश्चन है, वो भी दो दो समीकरण है, अगर उनकी दोनों साइड एक साइड सेम होती है तो आप उसको बराबर में रख सकते हो। मैंने इसको बराबर में रख दिया तो वन बाई थ्री, मैं इसको बच्चों मॉडिफाई पे मॉडिफाई करते जा रहा हूं, मुझे लास्ट में क्या निकालना है, लो निकालना है बाय द हेल्प ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन, मतलब गतिज ऊर्जा समीकरण की सहायता से मुझे क्या निकालना है, इसको मॉडिफाई करते हुए, उसका सरलीकरण करते हुए मुझे निकालना है। तो वन बाई थ्री एम वन एन वन सी वन की स्क्वेयर, वन बाई थ्री एम टू एन टू एंड सी टू की स्क्वेयर, दो जो वैल्यू सेम है उसको काट दो, तो वैल्यू करके क्या आ गई, एम वन एन वन सी वन की स्क्वेयर, एम टू एन टू सी टू की स्क्वेयर, इसको दे दो बच्चों इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके यहां तक बात समझ आया, अब हम नाउ, अब क्या करते हैं, हम नाउ काइनेटिक गैस पोस्टुलेशन को बीच में डालते हैं, काइनेटिक गैस पोस्टुलेशन, काइनेटिक गैस पोस्टुलेशन क्या बोलता है बच्चों, आपको पता है वही बात सेम आएगी, काइनेटिक गैस पोस्टुलेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू तुम क्या लिखोगे, काइनेटिक यानी गतिज गैस ऊर्जा सिद्धांत या अभिधारणा के अनुसार काइनेटिक जो एनर्जी होती है, हमें पता है कि ए की जो काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, काइनेटिक यानी उसके टेम्परेचर के क्या होती है, परम ताप के इक्वल होती है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इक्वल होती है, ये हमें बात कर चुके हैं, है ना, ये बात हम कर चुके हैं बच्चों। तो अगर मैं बात करूं गैस ए के लिए, अगर मैं गैस ए के लिए बात करूं और गैस बी के लिए बात करूं, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो क्या आएगी, हाफ एम वन सी वन की स्क्वेयर, है ना, और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो क्या आएगी, हाफ हाफ, इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, हाफ एम बी गैस के लिए एम टू सी वन और इसकी स्क्वेयर। हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इक्वल होती है किसके,
टी के, तो ये भी के टी के इक्वल है और ये भी के टी के इक्वल है, हमें पता है ना। तो आपको बताया कि दोनों साइड अगर दोनों इक्वेशंस में, दोनों इक्वेशंस में, इसको दे दो क्वेश्चन नंबर चार, इसको दे दो क्वेश्चन नंबर पांच, चार और पांच में एक साइड सेम आ रही है, तो एक साइड सेम आ रही है तो आप दोनों इक्वेशंस को इक्वल रख सकते हैं। जैसे ये के के सेम है या के टी सेम है, तो मैं दोनों इक्वेशंस को क्या कर सकता हूं, इक्वेशन नंबर थ्री एंड इक्वेशन नंबर फोर को इक्वल रखने पर, तो क्योंकि दोनों की एक साइड इक्वल आ रही है तो मैंने इक्वल रख दिया। बच्चों लिख लो बच्चों, क्वेश्चन नंबर फोर एंड फिफ्थ इक्वल रखने पर, तो हाफ एम वन एंड सी वन की स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम टू, एम टू यहां भी सी टू आना था बच्चों, सही कर लो, सी टू की स्क्वायर इसको इक्वल करने पर हाफ से हाफ कट गया, तो क्या निकल के आया, एम वन सी वन की स्क्वायर इज इक्वल टू एम टू सी टू की स्क्वायर इक्वल होता है, इक्वेशन क्या गया, इसको दे दो क्वेश्चन नंबर सिक्स। अब इक्वेशन नंबर सिक्स की वैल्यू को, इक्वेशन नंबर सिक्स की वैल्यू को आपने इक्वेशन नंबर थर्ड में पुटअप करना है, यहां पुटअप करना है, इक्वेशन नंबर सिक्स की वैल्यू को आपने यहां पुटअप करना है, तो वो कैसे पुटअप करोगे बच्चों, देखो जल्दी देखो कैसे पुटअप करते हो। आपको ये बात पता है हमने क्या निकाली, एम वन और सी वन स्क्वायर की वैल्यू निकाली, M1 और C1 स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है, M1 और C स्क्वायर C1 स्क्वायर की वैल्यू M2 C2 की स्क्वायर आई है। इस इक्वेशन नंबर 6 की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 6 वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर 3, यानी समीकरण 6 का मान समीकरण 3 में रखने पर, अगर मैं समीकरण 6 का मान समीकरण 3 में रखूंगा तो क्या आएगा, देखो बच्चों समीकरण 3 क्या थी मैं बताता हूं आपको, M1 N1 C1 की स्क्वायर M2 N2 C2 की स्क्वायर, ये थी क्वेश्चन नंबर थर्ड। मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर सिक्स वाली वैल्यू रखना, M1 C1 की स्क्वायर M2 C2 की स्क्वायर इक्वल है, तो मैं ये वैल्यू रखने जा रहा हूं, यहां पर रख दी मैंने ये वैल्यू, मैं रखने जा रहा हूं M1 की वैल्यू और C1 स्क्वायर की वैल्यू, तो मैंने रख दी वैल्यू यहां पर, क्या रखूंगा M2 C2 की स्क्वायर, N1 को मैं इधर ले आया, फिर M2 C2 की स्क्वायर N2 को मैं इधर ले आया, ये दोनों कट गए है ना, ये दोनों कट गए, तो N1 इज इक्वल टू N2 के बराबर आ गया, इट इज प्रूफ हो गया ये, इट इज सिद्धम, मतलब हमने ये बात बोल दी कि अगर किसी का एट कांस्टेंट, क्या बोलेंगे बच्चों अपने, कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, अगर हम दो गैसों के वॉल्यूम को सेम करते हैं, वॉल्यूम को सेम करते हैं, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स भी क्या आ जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं। मेरी बात समझे बच्चों, जल्दी बोलो, नियत दाब पर, नियत तापमान पर यदि दो गैसेस के आयतन को समान कर दे तो उसके मोलों की संख्या भी समान हो जाती है ऑटोमेटिकली, ये नियम कहता है चार्ल्स का नियम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और हमने ये ड्राइव भी कर दिया अकॉर्डिंग टू काइनेटिक गैस इक्वेशन। जल्दी बोलो बच्चों समझ में आई बात, जल्दी शाबाश, जल्दी बोलो, चले आगे, जल्दी बोलो शाबाश बच्चों, कमेंट सेक्शन के अंदर लिखते जाओ कि सर हमें समझ में आ गया, सर हमें समझ में आ गया। तो मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों, अब हमारा फोर्थ लॉ आ रहा है कि फोर्थ लॉ को कैसे ड्राइव करेंगे, तो ग्राहम्स का लॉ, ग्राहम्स का लो मतलब ग्राहम का डिफ्यूजन लो बोल रहे इसको, ग्राहम्स का डिफ्यूजन लो, ग्राहम का डिफ्यूजन लो। बच्चों एक बात मैं और बता दूं, मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, तो मुझे सारे बच्चों ये वाली बात मुझे ग्रुप में वेरीफाई करके बताओ कि सर ये वाली सीरीज स्टार्ट करवा दो, क्योंकि वो सीरीज से बाहर कुछ नहीं आएगा, ये गारंटी है मेरी। ग्राहम लो डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं, यानी ग्राहम का विसरण नियम कैसे निकालेंगे काइनेटिक गैस इक्वेशन का यूज करते हुए। तो ग्राहम डिफ्यूजन लो कहा क्या था, ग्राहम डिफ्यूजन लो कहता था कि किसी भी गैस के विसरण होने की दर, यानी उसकी रेट जो है उसकी दर, वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसकी डेंसिटी के स्क्वायर रूट के, उसकी डेंसिटी के स्क्वायर रूट के, ये वाला नियम हमने समझाया था पहले है ना। अगर मैं बात करूं कि उसके घनत्व के स्क्वायर रूट के क्या होते हैं, वित्त कर्मानुपाती होती है। अगर मैं दो गैसेस की बात करूं तो आर वन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वन अपॉन स्क्वायर और डी वन एंड आर टू, किसी दो गैसेस की बात करूं, किसी दो गैसेस के लिए बात करूं
तो वन अपॉन अंडर रूट डी टू। अगर मैं इनका रेशियो निकालू तो क्या निकल गया था अपना आर वन बाई आर टू, दोनों का अनुपात निकालू तो क्या निकल गया था अपना डी टू अपॉन डी वन, स्क्वेयर रूट ऑफ डी टू अपॉन डी वन। ये हमारा रिलेशन हम पहले पढ़ चुके हैं। अब इसी रिलेशन को हम काइनेटिक गैस इक्वेशन का यूज करके निकाल दें तो ग्राहम्स के डिफ्यूजन लॉ की हमारा ड्राइव होकर आ जाएगा और डायरेक्शन आ जाएगा उसका। वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ डिफ्यूजन रे, हमें ये बात पता है कि किसी की स्क्वेयर, वी नो दैट, हम जानते हैं ये बात, क्या जानते हैं बच्चों बात, कि किसी भी स्क्वेयर रूट मीन वेलोसिटी, यानी किसी का मूल माध्यमान जो होता है, वर्ग मूल माध्यमान, यानी किसी का वेग, सी वेग होता है, सी वेलोसिटी जो होती है वो समानुपाती होती है किसके, रेट ऑफ डिफ्यूजन के, विसरण होने की दर के समानुपाती होती है ना। जिसको दे दो बच्चे क्वेश्चन नंबर पर कि उसका जो रेट है ना, जो उसका रेट है वो डिपेंड करेगा, मतलब उसके उसका जो वेलोसिटी है, वेग है, वो उसके विसरण होने की दर पे निर्भर करे। जितनी ज्यादा विसरण होने की दर ज्यादा होगी, डिफ्यूजन रेट उतना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा उसके वेलोसिटी ज्यादा होगी, उसके पार्टिकल्स का वेग ज्यादा होगा, रूट स्क्वेयर रूट मीन वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा होगी। अब काइनेटिक गैस इक्वेशन की हेल्प लेते हैं। काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या बोलती है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू वन बाई थ्री एम एन सी स्क्वेयर, एम एन सी स्क्वेयर। ये होते हैं बच्चों इसको कर लो बॉक्स के अंदर बंद। ये सबसे मेन हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें पता है कि जो अब हम हमें क्या पता है बच्चों कि सी स्क्वेयर की अगर मैं वैल्यू निकालू, यहां पर सी स्क्वेयर की वैल्यू निकालू तो क्या निकल आएगी, अगर मैं सी स्क्वेयर की वैल्यू निकालू उसको थोड़ा मॉडिफाई करके, सी स्क्वेयर इज इक्वल टू थ्री, थ्री क्या आ जाएगा उसके मल्टीपल में आ जाएगा, थ्री आता आ जाएगा, तो थ्री पी वी और अपॉन में क्या आ जाएगा इसके एन सी स्क्वेयर, क्या आ जाएगा बच्चों एन सी स्क्वेयर, सॉरी मैं कर लिख बैठा जो ना बच्चों, देखो सिंपल के बाद थ्री आ जाएगा, तो थ्री पी वी अपॉन में क्या आ जाएगा एम एन, एम एन चला गया। हाँ तो ये क्वेश्चन के लिए हमें पता है कि किसी का मास ऑफ पार्टिकल किसी कण का द्रव्यमान को कुल कणों की संख्या से गुणा कर दे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर दे, तो उसका मॉलिक्यूलर मास निकल कर जाता है, वो आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है। तो ये एम एन तो कन्वर्ट हो गया एम कैपिटल एम के अंदर, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री पी वी अपॉन कैपिटल एम, यानी मॉलिक्यूलर मास है ना। अब यहां पर क्या आ गया बच्चों, यहां तक समझ में आया, जल्दी बोलो शाबाश। अब यहां तक क्या आ गया, हमें पता है कि यहाँ ये तो है वी वॉल्यूम और ये है एम मास। हमें पता है कि मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी के इक्वल होता है, घनत्व के बराबर होता है। अगर मैं इसको उल्टा लिख दूं, वॉल्यूम अपॉन मास क्या हो जाएगा, वन अपॉन डी के इक्वल होगा। बच्चों ये बात समझ आती है तुम्हें कि अगर मास अपॉन वॉल्यूम तो डेंसिटी के इक्वल है, तो वॉल्यूम अपॉन मास क्या होगा, वन अपॉन डी के इक्वल होगा, यानी आयतन बटा द्रव्यमान वन बटा घनत्व के बराबर होगा। यानी अगर द्रव्यमान बटा आयतन घनत्व के बराबर होता है तो आयतन बटा द्रव्यमान, उल्टा मैंने उल्टा कर दिया, पलटा खिला दिया मैंने इसको, तो वो भी पलटा खा जाएगा, तो वन अपॉन डी हो जाएगा, तो वॉल्यूम बाय मास को रिप्लेस कर दो वन बाई डी से, तो सी स्क्वायर थ्री पी अपॉन में क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। यहां तक बात समझ आई, सी स्क्वायर आपको बताया कि हम स्क्वेयर का जब सिंबल हटाते हैं तो क्या आ जाता है, वहां अंडर रूट का सिंबल आ जाता है थ्री पी अपॉन डी। यहां तक बच्चों समझ में आया, जल्दी बोलो शाबाश। ये रिलेशन बन के आ गया। अब इस रिलेशन को हम टू गैसेस पे इंप्लीमेंट करेंगे, दो गैसेस के लिए इंप्लीमेंट करेंगे हम, जल्दी बोलो शाबाश। मैंने गैस मानी दो, ए एंड बी, ए गैस के लिए स्क्वेयर रूट मीन वेलोसिटी, यानी उसका वेग सी वन होगा, यानी वर्ग मूल माध्य वेग क्या होगा, सी वन होगा, उसका प्रेशर पी वन होगा, उसकी डेंसिटी वी वन होगी, उसी दूसरी गैस के लिए सी टू होगा, पी वन होगा और डी टू होगा उसका घनत्व। तो अगर मैं सी वन की वैल्यू रखूं तो क्या आएगा, थ्री पी अपॉन डी वन। अगर मैं सी टू की वैल्यू रखूं तो क्या आएगा बच्चों, थ्री पी इंटू डी टू। यहां तक बात समझ में आई, जल्दी बोलो बच्चों, जल्दी बोलो शाबाश। अब हमने रिलेशन क्या निकाला था, यहां तक बात समझ आ गई। अब हमने आगे रिलेशन क्या निकाला था कि किसी भी डिफ्यूजन रेट ऑफ गैस, गैस के विसरण होने की दर उसके वेलोसिटी, रूट मीन वेलोसिटी, वर्ग मूल माध्य वेग के समानुपाती होता है, डिफ्यूजन रेट जो होता है। दो गैसेस की बात कर रहे हैं तो आर वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सी वन, दूसरी गैस के लिए आर टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द समानुपाती किसके होगी, सी टू के। अगर इसका रेशियो निकालें आर वन अपॉन आर टू
एंड बराबर सी वन अपॉन सी टू है ना। अगर ये रिलेशन निकालें तो ये निकल के आता है। अब इस वाले रिलेशन में हम क्या कर देंगे, हम सी वन और सी टू की वैल्यू रख देंगे जो हमने निकाली है बच्चों। सी वन और सी टू की वैल्यू यहां हम पुट अप कर देंगे। तुम बच्चों इसको इक्वेशन में दे सकते हो। तुम मान लो इसको इक्वेशन नंबर दे दो वन दे दो, इसको दे दो क्वेश्चन नंबर टू दे दो। तुम ये बोल दो कि इक्वेशन नंबर टू में वन की वैल्यू पुट अप करने पर, यानी इक्वेशन नंबर टू इन द वैल्यू पुट ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट इन द इक्वेशन नंबर टू, यानी समीकरण एक का मान समीकरण दो में रखने पर। लिख लो बच्चों, समीकरण एक का मान समीकरण दो में रखने पर तो क्या आएगा बच्चों, जल्दी बताओ। आर वन अपॉन आर टू इजिकल टू अंडर रूट थ्री पी बाई क्या देगा, डी वन एंड अंडर रूट थ्री पी बाई डी टू। सेम सेम है, कट जाएंगे बच्चों है ना, कट गए। तो वन अपॉन डी वन, वन अपॉन डी वन और फिर वन अपॉन डी टू, ये जो पलटा खा करके ऐसे ये नीचे जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, तो वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, आर वन अपॉन आर टू सीधा अंडर रूट का सिंबल डी टू अपॉन डी वन। जो हमने यहां से हमने शुरुआत की थी वहां से हमने लास्ट डायरेक्शन निकाल लिया बच्चों। यही रिलेशन है फॉर टू गैसेस के लिए, यही ग्राम डिफ्यूजन लॉ हम निकाल चुके हैं बच्चों। जहां हमने स्टार्टिंग की थी, जहां से हमने स्टार्टिंग की थी बच्चों, वहीं से हमने एंड कर दिया। ये देखो बच्चों, कोई दिक्कत है समझ में आया जल्दी बोलो। हम ना हमने खेल खेलना है, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन होता है खेल, खेल खेलो आप, उसके साथ मॉडिफाई करते जाओ जैसे मर्जी करो। हमें लास्ट में ये आना चाहिए, ये आना चाहिए जो उसने ग्राहम ने बताई थी बात, वो आनी चाहिए है ना। तो यही डेरिवेशन है। हमने चारों के चारों लॉ बाय द हेल्प ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन, गतिज गैस समीकरण के द्वारा हमने चारों नियमों का व्युत्पन्न पढ़ा, चारों समीकरण की हमने डेरिवेशन पढ़ लिए बच्चों। बात समझ में आई, जल्दी बोलो शाबाश। कोई भी दिक्कत हो बच्चों बतानी है आपने कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं क्लास से एंड करने जा रहा हूँ, लेक्चर काफी लॉन्ग हो गया, और सारे बच्चों जो बच्चे लाइव नहीं आ पाए वो बाद में क्लास लगाएंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में लिखा करो कि सर मैं क्लास लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ, ताकि इसे पता लगता है आपकी एक्टिविटी का पता लगता है। बाय बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं कल फिर।